एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टे पे इन्फेंट हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली कंसीव करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बट उससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा तमाम तरीके की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर हमें कितने तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना। पसंद है तो लाइक कर देना, जस्ट लोगों से शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। ऐसा इसलिए बिकॉज काफ़ी तरीके के इश्यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक रूबेला वगैरह अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है, प्लस आपको कोई फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या आपको पहले आपका कोई मिसकैरेज हो रखा है, ये सब चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से बहुत डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सबसे पहले ये सवाल करेंगे, मैम कितना टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी के लिए, बिकॉज ये वेरी करता है हर एक इंसान की एज पे, आपकी एज, आपके पार्टनर की एज, प्लस आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, और ये सवाल आपको जरूर से ज़रूर करना है। देखिए, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम कि उम्र ठीक ठाक है अराउंड, वैसे तो आजकल सब लेडी मैरिज करते हैं तो अराउंड 30 भी है तो भी आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। बट इससे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया, तो जाके ज़रूर से ज़रूर देखना कि कौन सी एज में कितना टाइम लग जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, और हमको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी एज 35 से कम है तो एक साल तक ट्राई करिए, अगर आपकी एज 35 के बाद है तो आप 6 मंथ तक ट्राई करिए, और उसके बाद डॉक्टर से दोनों कंडीशन में मिलना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, बर्थ कंट्रोल। अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे थे तो वो भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है कि बर्थ कंट्रोल छोड़ने के बाद, ठीक है, हमने बर्थ कंट्रोल खाना बंद कर दिया, पिल जो होता है बर्थ कंट्रोल पिल, तो उसको छोड़ने के बाद कितने दिन में प्रेगनेंसी आती है, बिकॉज एकदम से नहीं आती है। जब तक आपके 3-4 पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हो जाते तब तक आपको प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा साइकिल नॉर्मल हो जाता है तो ओव्यूलेशन भी नॉर्मल हो जाता है। अब पीरियड्स इरेगुलर हो, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो, तो आप खुद ही संकोच में पड़ जाएंगे कि किस टाइम ट्राई करें। ठीक है, तो इसलिए पीरियड साइकिल 2-3 महीने लगातार होने दीजिए नॉर्मली, जो डेट होते हैं किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन का, किसका भी पीरियड साइकिल होता है, तो उसके बाद ही आप ट्राई करें। ठीक है, तीसरी चीज़ कोई मेडिकेशंस। अब मेडिसिंस आपको भी मेडिसिंस ले रहे, जैसे NSAIDs हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह ले रहे हैं, वो भी आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेडिसिन आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, आपको कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, ये सब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन खा रहे हैं हमको डॉक्टर से नहीं बताना है, बिकॉज कुछ मेडिसिन आपके बेबी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेडिसिन जो भी खा रहे हैं उसके लिए आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। तीसरी या चौथी, ठीक है, फोर्थ कंडीशन, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन जस्ट लाइक आपको हाई बीपी है कि नहीं है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर है तो आपको, अगर पहले से डायबिटीज़ है तो कोई इशू नहीं है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो गेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर ज़्यादा चीनी वगैरह खाते हैं तो वो भी आपको डायबिटीज़ कर सकता है प्रेगनेंसी में, जिसको कहते हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, हाई बीपी का कोई इशू तो नहीं है, प्लस आपको एस्थमा तो नहीं है, उसके साथ साथ पहले कभी आपका मिसकैरेज हुआ है, तो ये जो सारी हेल्थ कंडीशंस होती है ना, आपको थायराइड तो नहीं है, ये हेल्थ कंडीशन डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है मेडिसिन चलेंगी। तो हेल्थ कंडीशंस बिल्कुल नहीं छुपाना है, आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप जाके डॉक्टर से डिस्कस करें। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल फीमेल इशूज़, जस्ट लाइक अगर किसी को यूट्राइन फिब्रॉइड है, कभी आपको फिब्रॉइड था, आपने सर्जरी करा ली, या फिब्रॉइड्स हैं, आपको कभी ऐसे लगा कि आपको पेट में बहुत दर्द होता है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको सिस्ट है, आपको PCOD है, तो ये भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, इसको नहीं छुपाना है। अगर आपको पास में कभी ओवेरियन सिस्ट का इशू था तो भी आप डॉक्टर्स को बताइए कि हमको पहले ओवेरियन सिस्ट का इशू था, तो वो एक बार सारी मॉनिटरिंग करेंगे, देन आपको सजेशन देखिए। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले अगर ट्राई कर लेते तो वेल एंड गुड है, बिकॉज प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, इसलिए पहले ही डॉक्टर से डिस्कस करके आप ये देख लीजिए कि आपको किसी तरह की कोई इशू तो नहीं। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, कोई थायराइड की मेडिसिन हो गई, PCOD हो गया, आपको सिस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पार्टनर की एज भी आपको ऑब्वियसली, जैसे पहले हमने डिस्कस कर लिया आपके पार्टनर की एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीमन यूज टू गेट रिड्यूस, स्पर्म यूज टू गेट रिड्यूस, तो फीमेल के जैसे एक क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होती हैं, तो ये भी आपको अपने पार्टनर की एज वगैरह सारी अपने जो डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस, ऑब्वियसली दोनों पार्टनर ही जाएंगे डिस्कस करने, तो ये भी चीज़ जो है
फुली तरीके से डिस्क्लोज करनी है डॉक्टर को, ठीक है, कितना टाइम हो गया ट्राई करते करते, ये भी डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे वेट कंट्रोल के लिए, काफ़ी सारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो उनको इश्यूज़ हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो ऑब्वियसली डॉक्टर से सजेशन लीजिए कि कितने 2-3 महीने तक वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट रिडक्शन करने के लिए भी कंसल्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपका वेट ज़्यादा है और प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया गेस्टेशन डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हाई बीपी हो सकता है, उससे प्री एक्लैम्प्सिया कंडीशन रहती हैं, प्लस आपका सिजेरियन हो सकता है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये एग्रीवेट करती हैं, इसलिए डॉक्टर से सजेशन लेके थोड़ा सा वेट रिडक्शन करिए और वो आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बिकॉज वेट इंक्रीज होने से भी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो वेट थोड़ा सा रिड्यूस करिए और आराम से हेल्दी प्रेगनेंसी को इंजॉय करिए, ठीक है। अब सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, काफ़ी सारी फीमेल्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम प्रेगनेंट होने के 1-2 महीने बाद फॉलिक एसिड ले तो ठीक होता है, बट ऐसा नहीं है, फॉलिक एसिड आप अगर 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं तो वेल एंड गुड है, और विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेना वेल एंड गुड है, बिकॉज ये आपके बच्चे को जो विकार होता है शारीरिक विकार होता है उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, तो अगर आप सोचिए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस दौरान ही आपको स्किप नहीं करना है, और उस दौरान स्किप करते हैं तो बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं बेबी में, इसलिए आप अगर फॉलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंट्स आप प्रायर टू प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट कर दीजिए, करना चाहिए, वो आपके लिए आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, अगर आप डॉक्टर से डिस्कस करके फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आप पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत मतलब अगर आपका पहले कोई मिसकैरेज हो रखा है, ठीक है, तो पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है तो उसके लिए भी जैसे केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, काफ़ी सारी फीमेल्स को कोई ओवम ब्लाइटेड ओवम लाइक इश्यूज मिसकैरेज होता है 3 महीने में 4 महीने में, तो वो भी डॉक्टर को बताना है कि आपका पहले ऐसे मिसकैरेज हो चुका है, इसको नहीं छुपाना है, बिकॉज उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हमने टेस्ट डिस्कस करे हैं आपको मीजल मम्स रूबेला मतलब टॉर्च इन्फेक्शंस, और जो मीजल मम्स रूबेला वाला इंजेक्शन होता है ये आपको प्रेगनेंसी में नहीं लग सकता है, इसलिए टॉर्च इन्फेक्शंस का जो टेस्ट होता है टॉर्च टेस्ट होता है ये आप प्रायर टू प्रेगनेंसी करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर है, और टी डैप वगैरह फ्लू वैक्सीन तो आपको आराम से फ्लू शॉट्स होते हैं ये आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दे दिए जाते हैं, टी डैप होता है वो आपको प्रेगनेंसी मिल सकता है, बट आपको MMR वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, इसे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ही अपने टॉर्च इन्फेक्शन जो टॉर्च टेस्ट होता है वो करवा लीजिए ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात उसके साथ अगर आपको 1.5 साल तक हो गया है प्रेगनेंसी ट्राई करते करते तो डॉक्टर से डिस्कस करिए, आफ्टर द एज ऑफ 35 योर फर्टिलिटी यूज़ टू गेट डिक्रीज, तो उसके लिए आप जैसे ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन जो होती हैं वो ले सकते हैं, और एग की क्वालिटी क्वान्टिटी इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप जो है IVF की तरफ मूव कर सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर बट यू हैव टू गेट प्रैक्टिकल, बिकॉज आजकल प्रेगनेंसी इज़ नॉट नॉर्मल जो पहले थी, आजकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, और कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं हमारे सिर्फ खान पान से, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स जस्ट लाइक पिज़्ज़ा पास्ता एंड ऑल दीज थिंग्स रादर देन टू फोकस ऑन द रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट्स एंड ऑल थिंग्स, उस पर हमको फोकस करना है रादर देन मूविंग टूवर्ड दैट स्नैक्स एंड ऑल दीज स्टफ्स, ठीक है, तो इसलिए हमारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो इसके लिए आपको जैसे जानकारी दी गई है सारी इस वीडियो में, तो प्रेगनेंसी दोज फीमेल्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट जस्ट एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करिए, और आपको इससे काफ़ी हद तक देखना आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होंगी, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होंगे, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये भी पता लगा हो कि प्रेगनेंसी से पहले कितनी सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है हमारे लिए, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक बनता है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बनता है, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जस्ट लोग शेयर करिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर।